हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के कॉम्पिटेक्स के ऊपर। ऐसे एनवीडिया कॉम्पिटेक्स में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी जो भी मेजर डिटेल्स है वो मैं आप सबके सामने बता दे रहा हूँ। एंड एक काफ़ी बड़ी डिटेल है, बट वो हमारे किसी काम की नहीं काइंड ऑफ, बट ठीक है, फिर भी वो अच्छी चीज़ है। तो वो उम्मीद है आपने AMD वाला कॉम्पिटेक्स वीडियो देख लिया होगा, या फिर आपके आपको उसके बारे में पता होगा। क्योंकि अगर नहीं पता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देख लो। वहाँ पे मैंने कितना जितनी चीज़ों से कवर करने की कोशिश करी, एंड ये वीडियो इस तरीके क्यों बनना है इसका रीज़न भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताया है। एंड इसके बाद जो वी वीडियो आएगा वो नॉर्मल वीडियोज़ होंगे, फिर से फेस कैम वीडियोज़ वगैरह होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटेक्स की। देखो, वैसे तो इन्होंने अपने जो भी AI मॉड्यूल्स हैं या फिर जो भी सर्वर के लिए GPUs एंड CPUs बना रहे हैं उसके लिए रिगार्डिंग बात करी है। इन कॉम्पिटेक्स में उसको दर्शाया कि किस तरीके से उसके एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड हो रहे हैं, एंड किस तरीके से जो AI है वो लाइफ चेंज कर रही है ह्यूमंस की अराउंड द ग्लोब, एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड उन्होंने बता के रखी हैं। तो आप वीडियो पे देख सकते हो, बट वो आपका मतलब करने, अगर आप गेमर हो तो आपको कोई मतलब नहीं जानने का, बहुत डिटेल में वीडियो है। एंड मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई थी, बट कुछ चीज़ें फिर भी मेरे ऊपर से चली गई तो मैंने भी ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करी। अब बात करते हैं गेमिंग के लिए, तो भाई इन्होंने, मुझे उम्मीद थी कि ये जो है मतलब अपना जो 4000 सीरीज़ आने वाली है उसके बारे में कुछ टीज़ करेंगे, तो बस उन्होंने उसका जो है कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नेम, जैसे इसका नाम था एम्पियर कार्ड तो उसका नाम हॉपर कार्ड है, मतलब हॉपर चिप्स होंगे, बस यही नाम बताया है, कुछ और नहीं बताया। एंड अगली जो टेक्नोलॉजी होगी वो हमको 2024 में देखने को मिलेगी, हॉपर नेक्स्ट नाम रखा, मतलब हॉपर नेक्स्ट बोला बट उसका कोई नाम नहीं दिया। एंड उसके बाद उन्होंने RTX के ऊपर बात करी, एंड उनके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया कि उन्होंने किस तरह के एप्लीकेशंस बिल्ड करें गेमिंग कम्युनिटी के अराउंड, विच हेल्प्स गेमर एंड कंटेंट क्रिएटर्स टू क्रिएट कंटेंट और प्ले गेम्स फॉर e-sports एज वेल एज ऑल द स्टफ, जैसे कि NVIDIA ब्रॉडकास्ट है, NVIDIA रिफ्लेक्स है, DLSS है। तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, और काफ़ी सारे गेम्स में RTX इंट्रोड्यूस होने वाला है तो उसको भी लेके बोला, DLSS को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे थे वो लोग। एंड हाँ, मैंने देखा राजी जो गेम है वो उसके ऊपर भी DLSS एंड RTX का सपोर्ट आ गया है, तो अगर आपने किसी ने भी राजी खरीद रखा था तो अपडेट मिलने के बाद आप खेल सकते हो। और मे बी अभी तक आप सबके पास NVIDIA का भी लेटेस्ट अपडेट तो आ गया होगा, ड्राइवर अपडेट। एंड यही सब था, तो उन्होंने काइंड ऑफ गेमर के लिए कुछ नहीं डाला, हालांकि फालतू का बड़ा बड़ा गेमिंग के ऊपर लिख रखा था, तो मैंने भी आधे घंटे 40 मिनट देखा एंड मेरा भी टाइम बर्बाद हुआ। खैर, मैं आप ही लोग के टाइम अगर बर्बाद करता हूँ, बट खैर यही जो बात थी यही था। और हाँ, एक जो मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था वो यही था कि भैया उन्होंने 500, इसे आप देख पा रहे हो, ये जो 500 हर्ट्स का मॉनिटर लॉन्च किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कौन खरीदेगा, मतलब हम तो नहीं खरीद सकते, हमारे तो 144 हर्ट्स लेने के वादे हैं, और इन्होंने इस वीडियो में देखो देख पा रहे हो 144 हर्ट्स तक को ब्लरी दिखा दिया है, तो 500 हर्ट्स, तो ये 500 हर्ट्स का मॉनिटर आने वाला है विद G-Sync इनेबल्ड, जो कि जाहिर सी बात है हमारे आपके सबके औकात से बाहर होगा, हम फिलहाल 144 ही ले लें वही बड़ी बात है। तो हाँ, ये मेरा अनाउंसमेंट था। हाँ, और हाँ, इन्होंने RTX बेस्ड और काफ़ी सारे लैपटॉप जो गेमिंग लैपटॉप्स नए आने वाले हैं उनको लेके भी अनाउंसमेंट करी है, जो भी इसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स की तरफ काफ़ी सारे नए लैपटॉप आने वाले हैं। और हाँ, मैंने AMD वाले वीडियो में सर बताना भूल गया था, उसमें भी काफ़ी सारे नए AMD बेस्ड लैपटॉप आने वाले हैं, अच्छे लैपटॉप कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप होने वाले हैं, और गेमिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड लैपटॉप होने, वर्किंग प्रोफेशन के लिए फिलहाल कोई ऐसा कोई लैपटॉप बजट लैपटॉप इंट्रोड्यूस नहीं किया है सब ने। तो यही सब चीज़ें थी, एंड अगर आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के लिंक्स दिए हैं, कुछ भी शॉप कर सकते हो, चैनल को हेल्प मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस। और हाँ, सबसे आखिरी में चीज़ें बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियोज़ को थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो।